वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक नोट पॉइंट लिखा था, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, और हमने कुछ इसके एग्जांपल्स देखे। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड बिफोर गोइंग टू डेट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम मोहित सिंह चौधरी, कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम IIT गुवाहाटी। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड प्लस डिस्क सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, तो एक डिस्क गिवन है जिसका रेडियस आर है और मास स्मॉल एम है, जो कि कनेक्टेड है एक रॉड से जिसका लेंथ स्मॉल एल एंड मास कैपिटल एम गिवन है। ठीक है, और हमें पूछा है सेंटर ऑफ मास। तो चलो सॉल्व करते हैं वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ अज्यूम करो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जो कि हमने लिया है सेंटर ऑफ रॉड एंड सेंटर ऑफ डिस्क। इसका स्मॉल एम मास, सेंटर ऑफ मास ले लिया हमने और इसका लिया कैपिटल एम। अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है आर प्लस एल बाय टू, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। सो डिस्क से इसका मास, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस एक्स सपोज कर लीजिए, तो सी बी के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये होगा आर प्लस एल बाय टू माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये हमने ऊपर एक फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले लेक्चर में, जो था एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू। अब इस वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और सेंटर ऑफ मास पे ले लिया हमने ओरिजिन, तो ये बनेगा एम वन मीन्स एम इंटू एक्स इजल्स टू एम टू आर टू मीन्स कैपिटल एम इंटू आर प्लस एल बाय टू माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एम ब्रैकेट में आर प्लस एल बाय टू माइनस कैपिटल एम इंटू एक्स। सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स को कॉमन लेके एम प्लस कैपिटल एम इजल्स टू आर प्लस एल बाय टू। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू क्या आई, वो आई एम इंटू आर प्लस एल बाई टू डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमसे पूछा था, फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्क प्लस स्क्वायर का सिस्टम दे रखा है और उसकी मास डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, मीन्स सरफेस मास डेंसिटी। अगर आपको कन्फ्यूजन है सरफेस मास डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी क्या है, उसके बारे में अभी और आगे बात कर लेंगे, तो अभी के लिए देख के चलिए सिग्मा दे रखे सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, और डिस्क और स्क्वायर के लिए हमें फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास। तो पहले मास फाइंड आउट करते हैं हम डिस्क का, डिस्क का मास क्या होगा, मास डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया क्या आएगा डिस्क का पाई ए स्क्वायर, और अगर मास ऑफ स्क्वायर प्लेट लिखें तो आएगा सिग्मा इंटू एरिया मीन्स टू ए स्क्वायर, तो इसकी जो साइड है वो टू ए गिवन है। सो ये बना हमारा फोर सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल टू एम एस। ओके, तो चलो फाइंड आउट करते हैं, अगेन सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, एम डी एंड एम एस मास ऑफ स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी ए प्लस ए मीन्स टू ए। ये जो डिस्टेंस है ए और बी की, ये साइड हाफ साइड कितनी होगी ए और ये रेडियस ए, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस टू ए, तो इसलिए हमने लगा ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस टू ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अगेन कुछ ए से कुछ एक्स डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास अज्यूम करते हैं और अप्लाई करते हैं एम डी इंटू एक्स इजिकल्स टू एम एस इंटू टू ए माइनस एक्स। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम डी एंड एम एस वी विल गेट सिग्मा पाई ए स्क्वायर इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू फोर सिग्मा ए स्क्वायर इंटू टू ए माइनस एक्स, एंड इफ वी सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट एट सिग्मा ए क्यूब माइनस फोर सिग्मा ए स्क्वायर एक्स, एंड इन लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी
सिग्मा पाई ए स्क्वायर एक्स। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा सिग्मा पाई ए स्क्वायर प्लस फोर सिग्मा ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एट सिग्मा ए क्यूब। एंड सिग्मा सिग्मा विल बी कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, तो ये बनेगा ए स्क्वायर भी अगर कैंसिल कर दें तो हमारी जो टर्म आएगी वो आएगी पाई पाई प्लस फोर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एट ए। सो एक्स विल बी एट ए डिवाइड बाय पाई प्लस फोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमसे पूछा था सेंटर ऑफ मास निकालने सिस्टम का, तो ये हमने फाइंड आउट किया। चलो बढ़ते आगे, तो चलो एक बार बात कर लेते हैं मास डेंसिटीज़ की। मास डेंसिटी क्या होती है? तो मास डेंसिटी बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा लीनियर मास डेंसिटी, सेकंड होता है सरफेस मास डेंसिटी, एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। फॉर द केस ऑफ सरफेस मास इट विल बी सिग्मा एंड इट इज मास पर यूनिट एरिया ए। ठीक है, और वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, जो कि होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो डायग्राम से देखो, अगर कोई रॉड गिवन हो इसकी लेंथ एल है तो उसके लिए हम लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करेंगे। अगर कोई सरफेस बॉडी दे रखी है, मींस कोई स्क्वायर दे रखा है या फिर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखी है, स्क्वायर प्लेट दे रखी है या कोई सर्किल गिवन है, सॉरी कोई डिस्क गिवन है, उन सब चीज़ों के लिए सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन होगी। और अगर दे रखा हो कोई स्फीयर, ये सॉरी ये डिस्क है और ये बोले रेक्टेंगल, ठीक है, अगर कोई स्फीयर दे रखा हो उसके लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन होगी सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर कोई कोन दे रखी हो तो उसके लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन होगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं तीनों टाइप की डेंसिटीज़ के लिए। अब हमें अगर कोई एलिमेंट अगर हम कंसीडर करें इन बॉडीज़ में, जैसे डीएम अगर हमें निकालना हो, स्मॉल मास अगर इन एलिमेंट्स में निकालना हो, तो हम फाइंड करते हैं लैम्डा इंटू डी एल लीनियर के केस में। अगर कोई एलिमेंट का मास अगर हमें सरफेस डेंसिटी के लिए निकालना हो डीएम, तो ये हम फाइंड करते हैं सिग्मा इंटू डी ए से। सिमिलरली अगर कोई वॉल्यूम एलिमेंट में अगर कोई वॉल्यूम में अगर हमें एलिमेंट निकालना हो डी वी निकालना हो, तो हम फाइंड आउट करते हैं रो इंटू सॉरी डी एम अगर निकालना हो तो हम फाइंड आउट करते हैं रो इंटू डी वी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मास डेंसिटी के बारे में, थ्री टाइप्स की मास डेंसिटीज के बारे में। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कंटीन्यूअस बॉडीज, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटीन्यूअस बॉडीज। अब कंटीन्यूअस बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज करो ये कोई वाई एक्सिस है और एक रोड है,
ये रोड है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब यूनिफॉर्म रोड का मीन्स है इसका जो मास है, मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो इसकी मास डेंसिटी गिवन है लैम्डा, ठीक है। तो हमें इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो पहले तो हम डिफाइन करेंगे इसकी मास डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, इसका मास एम है और लेंथ एल है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला था वो क्या था सेंटर ऑफ मास के लिए, आर सी एम इज इक्वल टू डी एम इन टू आर डिवाइड बाई डी एम, ये था कंटिन्यूस बॉडी के लिए। तो हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे डी एम मास का, जो कि है आर डिस्टेंस पे और जिसकी लेंथ है डी आर। सो अब देखो डी एम की वैल्यू क्या आएगी, डी एम आएगा लैम्डा इंटू डी एल, अभी अभी हमने बात करी इसके बारे में। सो इस केस में हो जाएगा लैम्डा इंटू डी आर, क्योंकि डी आर है लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो ये बनेगा लैम्डा इंटू डी आर इंटू आर डिवाइड बाई लैम्डा इंटू डी आर, एंड लैम्डा लैम्डा विल बी कैंसिल क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। सो ये बनेगा आर डी आर डिवाइड बाई डी आर का इंटीग्रेशन। अब इसकी लिमिट्स कहाँ कहाँ से आएंगी, ये जो एलिमेंट्स है इसकी लिमिट आएगी जीरो टू एल, सिमिलरली डिनोमीटर में भी जीरो टू एल आएगी लिमिट। तो ये बनेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू जीरो टू एल डिवाइड बाई आर इंटू जीरो टू एल। सो इसको अगर हम सॉल्व करें एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू एल डिवाइड बाई एल, सो ये बना एल बाई टू। तो ये हमने फाइंड आउट किया सेंटर ऑफ मास फॉर यूनिफॉर्म रॉड। अब अगर किसी केस में रॉड यूनिफॉर्म नहीं हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो एक हम क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन लेके चलते हैं कि लैम्डा गिवन है के एक्स फॉर अ रॉड, ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ये हमें फाइंड करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखो ये जो आर सी एम आया ये आया है फ्रॉम द डिस्टेंस ओरिजिन, मीन्स हमने जो इनिशियल पॉइंट लिया था जीरो लिया था, मीन्स ओरिजिन लिया था, वहाँ से हमने आर की डिस्टेंस ली थी। तो जो आर सी एम है जो कि सेंटर ऑफ मास है वो है एल बाई टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब इस क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो देखो अगेन वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। पहले तो लिखेंगे लैम्डा वो गिवन है हमें की एक्स, अब डी एम जो लिखेंगे वो आएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। अगर हम रोड पे कुछ डी एक्स एलिमेंट अगर कंसीडर करें जो कि होगा एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। सो इसकी वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा की, आएगा के एक्स इंटू डी एक्स डी एम। सो आर सी एम हम फाइंड आउट करते हैं, ये बनेगा डी एम इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एम, ये तो था फॉर्मूले में सिग्मा एम इंटू आर, आर था डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। अब डिस्टेंस ऑफ हम एलिमेंट ले रहे हैं तो इसलिए आएगा एक्स, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ओरिजिन मास एलिमेंट कितना है एक्स है, तो ये आएगा लैम्डा एक्स डी एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाय सॉरी के आएगा इधर है ना के कॉन्स्टेंट, के एक्स डी एक्स डिवाइड बाय, तो इसके एक बार फिर से लिख देते थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, ये आया के एक्स डी एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब के न्यूमरेटर डिनोमेटर में कांस्टेंट है तो ये आउटसाइड था इंटीग्रेशन जाएगा और बाद में जाके कैंसिल हो जाएगा। सो ये बना हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एंड लिमिट अगेन जीरो टू एल जीरो टू एल। सो इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये आएगा एक्स क्यू डिवाइड बाई थ्री जीरो टू एल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू जीरो टू एल, ये हमने लिमिट्स पुट करी।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा एल क्यूब डिवाइड बाई थ्री, एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, एल स्क्वायर विल बी कैंसिल एंड वी विल गेट टू टू एल डिवाइड बाई थ्री। ठीक है, तो ये हमारा आया सेंटर ऑफ मास फॉर लैम्डा इज इक्वल टू के एक्स रॉड। इसका मीन्स है जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ 2L डिवाइड बाई थ्री डिस्टेंस पे आएगा फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट हमने निकाला यूनिफॉर्म रॉड के लिए, अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। सेकेंड है सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, इसके लिए निकालते हैं। सो कंसीडर करो ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाई एक्सिस, और यहाँ एक रिंग है जो कि है सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, और ओरिजिन ओ पे है। तो इसका हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। तो पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक स्मॉल एलिमेंट डीएम मास का, तो इसको ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस थीटा एंगल पे, डी थीटा एंगल है और ये आर है, तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये होगी आर डी थीटा, मीन्स द लेंथ ऑफ मास एलिमेंट डी एल, ये हुई हमारी आर डी थीटा। तो चलो अब सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट देखो, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्स सी एम में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एक्स पॉजिटिव एक्स के लिए जो मास डेंसिटी है, या बोले जो सिमेट्री है, वही सेम नेगेटिव एक्स के लिए, नेगेटिव एक्स के लिए भी सेम ही मास डेंसिटी है, इसलिए इसमें कोई सेंटर ऑफ मास नहीं होगा अलोंग द एक्स एक्सिस। वाई के अलोंग होगा क्योंकि प्लस वाई के लिए कुछ मास गिवन है, जबकि नेगेटिव वाई के लिए वो सिमिलरिटी नहीं है। अगर यहाँ पर भी अगर सिमिलरिटी होती, मींस कि अगर कंप्लीट रिंग होती, तो वो सेंटर पे आता उसका मास, इसलिए एक्स सी एम हम जीरो लेके चलेंगे। सो एक्स सी एम विल बी ज़ीरो, ओनली वाइस एक्सिस में सेंटर ऑफ मास आएगा। अब कितना आएगा वो अभी हमें कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए डी एम इंटू वाई डिवाइड बाय डी एम का इंटीग्रेशन। अब डी एम क्या है, डी एम है लैम्डा इंटू डी एल, लेंथ ऑफ अ मास एलिमेंट। सो ये बना लैम्डा डी एल इंटीग्रेशन इंटू वाई डिवाइड बाय लैम्डा डी एल, लैम्डा लैम्डा विल बी कैंसिल बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट। सो डी एल को हम लिखेंगे आर डी थीटा, और वाई की वैल्यू हम पुट करें तो ये जो वेक्टर है आर वेक्टर है, इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा एक्स में आर कॉस थीटा और वाई में होगा आर साइन थीटा। सो ये बना आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर, डी एल की वैल्यू पुट करेंगे ये आएगी आर डी थीटा, ठीक है। सो आर कांस्टेंट है तो एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर आएगा आर डिवाइड बाय आर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिवाइड बाय डी थीटा। इंटीग्रेशन देखो, अब इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से आएगी, इस वाले पॉइंट से, मींस थीटा की वैल्यू ज़ीरो से कंप्लीट डिस्क, मींस अप टू पाई, जीरो टू पाई। सो ये लिमिट आई ज़ीरो टू पाई। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा एंड लिमिट विल बी ज़ीरो टू पाई डिवाइड बाय थीटा इंटू ज़ीरो टू पाई। सो ये बना हमारा आर इंटू माइनस वन
-1, ठीक है, +1 आ जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 इट विल बी +1। सो ये बना पाई -0। इसको अगर सॉल्व करें फर्दर तो ये आएगा 2r/π। इट मीन्स सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क इज एट सम डिस्टेंस 2r/π फ्रॉम ओरिजिन। ओके फ्रेंड्स, तो ये था सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर रिंग। अब आगे और सॉल्व देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे हम एग्जांपल डिस्क के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। बाय बाय।